छपरा के पानापुर में दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों की माने तो सोमवार की शाम मृतक शराब के नशे में घर लौटा और अपनी पत्नी को लेकर निकल गया, लेकिन रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उल्टी करने लगा और जब तक उसे इलाज मुहैया कराया जाता उसकी मौत हो गई। घटना पानापुर थाना क्षेत्र के भोरहा पंचायत के रामदासपुर गाँव की है, जहाँ रोहित प्रसाद और मिंटू साह की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के लिए तरैया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसका इलाज किया जा रहा है। घटना को लेकर मिंटू के पिता की माने तो सोमवार की संध्या मिंटू शराब के नशे में घर वापस आया था और अपनी पत्नी को उसी हालत में लेकर बाइक से चला गया था। देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी और उल्टी होने लगी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने साफ साफ कहा कि मृतक ने शराब पी रखी थी। दारू पी के आयल बड़े तब एपर गाड़ी चढ़ले बड़े तो जानी गिरे से भैल बड़े ज्यादा चाहे कम पियले बड़े ओकरा बाद में गइल बा खाना उना नहीं खेले उ सुत गइल बा सुत गइला बाद में सवेरे उठल बा नहाइल बा धोआइल बा अपना पत्नी के लेके अपना ससुरार गइल बा। 2 बजे के बाद में 2 बजे मैदान गइल बड़े मैदान से आके उनका उल्टी भइल बा पूरा आए पूरा उल्टी भइला के बाद में तब जाकर के उनका पोजिशन खराब भइल। और छपरा से संवाददाता जाकिर अली जुड़ चुके हैं। जाकिर, दो युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, क्या मौत के कारणों का पता चल पाया है? परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि उनके जो भी उनके युवक मरे उनके घर के लोग मरे हैं वो उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो घर लौटे थे कल शाम में। ये घटना जो है ये थानापुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे रामदासपुर जो गांव है, जो गंडक इलाका है, उस इलाके से ये गांव आता है। उस इलाके में कई लोगों ने एक साथ बैठकर पिछली शाम को शराब पी थी, जिसके बाद दो लोगों की तबीयत खराब हुई और उनकी मौत रात में हो गई। लेकिन जैसे ही उनके मौत की खबर फैली कुछ और लोग सामने आए और पहला आदमी जो आया उसको ले जाके तरैया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी संख्या 4 हो गई है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि बाकी 3 की तबीयत ठीक है, लेकिन एक की तबीयत खराब बताई जा रही है और उसे सदर अस्पताल छपरा के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस कुछ कह नहीं रही है, लेकिन अगर परिजनों की माने तो परिजनों का साफ साफ कहना है कि उनके घर के लड़कों ने रात में कल शाम में शराब पी थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। और उल्टियां होना, आंख से कम दिखाई देना, दस्त होना, ये तो सिम्टम है कि उन्होंने जहरीली शराब पी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जहरीली शराब का ये पूरा मामला है, परिजन जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।